मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में छात्र छात्राओं द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की। इस प्रदर्शनी में विज्ञान के मॉडल्स प्रदर्शित किए गए। प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रबंधक विपिन जेटली द्वारा माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित और फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर प्रेसिडेंट ऑफ स्प्रिंगफील्ड एजुकेशनल सोसाइटी नीरू जेटली, कॉलेज प्रधानाचार्य डॉ. स्वाति शर्मा, पूनम अरोड़ा, डॉक्टर पूनम मेहंदीरत्ता, कुमारी प्रियंका पाठक और विज्ञान विभाग के सभी अध्यापक और अध्यापिकाएं उपस्थित रहीं। इसके पश्चात बच्चों द्वारा तैयार किए गए विज्ञान के मॉडल्स का उपस्थित लोगों द्वारा अवलोकन किया गया और बच्चों द्वारा किए गए प्रयासों की विपिन जेटली द्वारा सराहना की गई। विज्ञान प्रदर्शनी में तरह तरह के मॉडल्स को तैयार कर बच्चों ने विज्ञान के क्षेत्र में अपनी जानकारी को मॉडल्स के रूप में प्रदर्शित किया। सोडियम क्लोराइड संरचना, अणु संरचना, अम्ल तथा क्षार को पहचानने की प्रक्रिया, वाष्पोर्जन का वर्किंग मॉडल, प्रकाश संश्लेषण का वर्किंग मॉडल, श्वसन तंत्र का वर्किंग मॉडल, रक्त संचरण को वर्किंग मॉडल, डायलिसिस सिस्टम, ग्रीन हाउस, पवन चक्की, सोलर सिस्टम, पिन होल्ड बीमरा, वैक्यूम क्लीनर, पोर्टेबल कॉन्वेक्स पेंडुलम मेन, ग्लोबल वार्मिंग, हाइड्रोलिक ब्रिज, GNA का मॉडल, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन ट्रेन, रात को स्वतः जल जाने वाली बिजली, इलेक्ट्रिक बेल, घर के पानी का इंडिकेटर और कुछ बच्चों ने इसरो के वैज्ञानिकों को समर्पित करते हुए चंद्रयान के विभिन्न मॉडल्स तैयार किए। सोलर के उपयोग से संबंधित विभिन्न उपकरण भी बच्चों द्वारा बनाए गए। प्रदर्शनी को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने में श्रीमती पूनम अरोड़ा जाऊं, पूनम मेहंदीरत्ता, अनमोल अग्रवाल, डीपी गंगवार, कुमारी लागी चौधरी, पांशी गुप्ता, असित अग्रवाल, इरिका, अशिका गोयल, तरुणा सैनी, गुलअपशा, मुद्रिका चतुर्वेदी, साक्षी सिंह, भागेश गुप्ता, लवी शर्मा, दिव्या त्यागी, श्रीमती संगीता भटनागर और सभी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा सहयोग किया गया। अंत में कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर स्वाति शर्मा द्वारा सभी छात्र छात्राओं के कार्यों की प्रशंसा करते हुए उनकी सराहना की गई। प्रदर्शनी के दौरान विद्यार्थियों द्वारा अपनी प्रतिभा के माध्यम से संदेश दिया गया। सिटी चैनल से बात करते हुए छात्र ने कहा कि आज इस प्रदर्शनी में हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और हमने नए आइडियाज से बहुत कुछ बनाया। कशिश गुप्ता, आज स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में एक साइंस एग्जीबिशन हो रही है और यहाँ स्टूडेंट्स ने डिफरेंट डिफरेंट मॉडल बनाया है। मेरा मॉडल है स्मार्ट होम। इसे आप फोन के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं, वॉइस से भी और बटन से भी, लाइक पावर ऑन हॉल लाइट, और ये डिफरेंस भी समझता है लाइक हॉल और बेडरूम के बीच में पावर ऑन बेडरूम लाइट। तो आप इसे कहीं भी बैठ के कुछ भी ऑपरेट कर सकते हैं और इससे आप गेट भी ओपन कर सकते हैं, ओपन गेट, और आप इसे बटन से भी ऑपरेट कर सकते हैं लाइक दिस। वो आपके फोन में एक एप्लीकेशन होगी और आप कहीं बाहर वगैरह जा रहे हैं और आपको सब कुछ एक साथ ऑफ करना है, पावर डाउन ऑल। ये सिस्टम जो है हम अपने घर में लगा सकते हैं। यस सर। तो जैसे कोई भी सिस्टम ऑन करना है तो यस सर, वेरी इजीली कैन डू। फैन ऑन करना होगा, पावर ऑन फैन, सर 2 or 3 days लगे थे। ये आर्डुइनो की हेल्प से बनाया गया है, उसमें हमने प्रोग्रामिंग यूज की है और फिर उसको प्रोग्रामिंग को यूज करने के बाद रिले मॉड्यूल और ब्लूटूथ से फोन कनेक्ट करके और वायरिंग वगैरह करके फिर कहां से आपने आइडिया लिया? सर खुद से यार, मतलब आज हर व्यक्ति अपने घर में लगा सकता है? यस सर, वेरी इजी। क्या इसको लगभग क्या मानते हैं कितनी कॉस्ट आएगी? अराउंड 2000, देन यू हैव टू डू द वायरिंग, मटेरियल 2000 का बैठेगा, वायरिंग फिर वो आपको करनी पड़ेगी, वो तो होती है आपके हाउसेस में। स्कूल के निदेशक विपिन जेटली और नीरू जेटली ने कहा कि आज की प्रदर्शनी के माध्यम से जो संदेश बच्चों द्वारा दिए गए हैं उनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। हमें उम्मीद है कि बच्चे देश का भविष्य होंगे और हमारे विद्यालय से ही एक बड़ा वैज्ञानिक निकलेगा और इस देश की सेवा करेगा। कार्यक्रम के अंत में सभी बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। एक्टिविटीज दे आर एक्सीलेंट, एग्जिबिट्स बहुत अच्छे हैं और मेरा तो शुरू से ये मानना है कि बिना प्रैक्टिकल वर्क के, बिना मॉडल्स बनाए साइंस पढ़ी नहीं जा सकती, क्योंकि जब ये काम करते हैं, जब कुछ बनाते हैं तो वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है और समझना आसान होता है। किताब से पढ़ के अगर आप इन्वेंशन कर लेते हैं तो बड़ा आसान होता है, किताब से पढ़ के ही सिर्फ नहीं होता। और यहाँ पे बच्चों को इन्होंने मॉडल्स बनाए हैं और मैं पिछले सालों से कंपेयर करता हूँ, इस साल के मॉडल्स पहले के जो साल थे जब एक्साइज एग्जिबिशन हुई उसके मुकाबले कहीं ज़्यादा बेहतर है। इसका मतलब एक ही है कि बच्चों का इंटरेस्ट साइंस में बहुत जनरेट हो रहा है और 7th के 8th के 9th के बच्चे जितना अच्छी तरीके से एग्जाम्पल्स देकर अपने एग्जिबिट्स को समझा रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है।
मुझे लगता है कि हमारे स्कूल से आगे आने वाले समय में साइंटिस्ट निकलेंगे खूब सारे। बच्चों की एग्जीबिशन बहुत खूबसूरत है और बच्चों का हार्डवर्क उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। कहने को तो बहुत कुछ है बट इतना ही कहा जा सकता है कि इस बार बच्चों ने बहुत सुंदर बहुत साफ काम किया है, उनके मॉडल्स बहुत अच्छे हैं और उन्होंने बहुत नए आइडिया दिए हैं अपने मॉडल्स में और कुछ करंट प्रॉब्लम्स को भी टच किया है जो हम अगर सीरियसली उसके बारे में इन्वेंशंस होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका इस्तेमाल करके और फ़ायदा उठा सकते हैं।